को घर घर तक पहुंचाने का दायित्व क्या आप लोग ने जरूर 800 आज है 93,000 हमारे पास है आज 800 है। इसका मतलब आपने फार्मर तक आपने अवेयरनेस कैंप नहीं दिखाया, जिसके कारण आज देखे फार्मर सब गरीब है, उनको पढ़ा लिखा नहीं है, उस योजना के बारे मालूम नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये दायित्व क्या है हमारा सरकार का? हमारा सरकार का दायित्व नहीं है, हमारा डीएम साहब का पूरा टीम लेके कम से कम ये है ना, आपका दफ्तर कम से कम अवेयरनेस कैंप किया होता, विलेज विलेज में जाके आप लोगों को बताइए कि इस बैंक में हम अप्लाई करेंगे तो बैंक में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। सो इन द रेनी सीजन वी आर बेसिकली ट्राइंग ऑन कलेक्टर साथ आप जब बैठा और उनका पूरा टीम के साथ बैठा, आज मैं बैठने के बाद केंद्र का बहुत सारा स्कीम्स अब तक गांव-गांव तक गली-गली तक और आम जनता के पास नहीं पहुंचा है, जिसके कारण से मैं नाखुश हूं। और आज का रिव्यू मीटिंग से उनका जो प्रेजेंटेशन था, उस प्रेजेंटेशन से मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने बहुत सारा चीज़ को अंधकार में रख के बात किया, केवल जस्ट एक्ट फॉर्मेलिटीज़ आज उन्होंने निभाया, लेकिन आम जनता समझ रही है। और मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का योजना घर घर तक पहुँचे। जनता आज घर से निकल के मत देता है तो उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जिस दिन मत देता है तो बटन को दबता है तो वो सोचता है कि हमको सरकारी सुख सुविधा सब मिले। लेकिन आज कोई मंत्री बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई सीएम बनता है, बनने के बाद में आम जनता को भूल जाता है। आज बहुत सारा योजना है राज्य सरकार का योजना, आज राज्य सरकार के दफ्तर के कलेक्टर के साथ बैठा, लेकिन ऐसा बहुत सारा योजना है कि राज्य सरकार का योजना भी आज आम जनता के पास नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार का तो दूर का बात है, राज्य सरकार का योजना भी आज उन्होंने बहुत सारा योजना केंद्र के सरकार की तरह उन्होंने बनाया है।